लगती है। जिंदगी नरक बना दी आपने हमारी। मैंने आपने? शांति शांति शांति। जानती हूँ मेरा नाम शांति है। शायद मैं ये अच्छी तरह अब जान चुका हूँ कि तुम्हारा नाम शांति है और मैं तुमसे शांत रहने के लिए कह रहा हूँ। ये बैंक है, शाम को घर आऊंगा तब बात करेंगे, ओके? कुंवारी हो, काम करो, काम से ज्यादा बातों पर ध्यान मत लगाओ प्लीज, ओके? पता नहीं किसकी शांति भंग करो। बीवी का फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रहा है। आ गए आप? हाँ। गाली नहीं दे रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं जब आपके ऑफिस में फोन करती हूँ आपकी सेक्रेटरी ही फोन उठाती है। वो मेरी सेक्रेटरी नहीं है, मैं खुद वहाँ का कैशियर हूँ। सेक्रेटरी होती तो फंसा लेते। क्या फंसा लेता, खुद फंसा हुआ हूँ। मिस्टर खुराना सही कहते हैं, आदमियों को जगह जगह की थाली में खाने की आदत होती है, उनकी डोर अपने हाथ में ही रखनी चाहिए। ये मकान बेचना ही पड़ेगा, ये खुराना ने जिंदगी जो है नरक बना दी है। देखो तुम ये पड़ोसी पड़ोसी की बातों में आकर हमसे झगड़ा मत किया करो प्लीज। सच कह रही हूँ, इसलिए कड़वा लग रहा है और इसलिए मेरा टीवी भी ऑफ कर दिया है। दो मेरा रिमोट वापस दो। दिन भर टीवी देखने के अलावा क्या करती हो? खबरदार इस टीवी के बारे में कुछ कहा तो, ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे साले, सब बच गए। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मेरा रिमोट वापस करो। काश कोई ऐसा रिमोट बनता जिससे चैनल के बदले दीवियां बदली जाती। तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता और जिस चैनल को एक बार देख लेता दोबारा उसकी तरफ मुड़के नहीं देखता, पहचानता ही नहीं। मुझे तो शुरू से ही पता था वैसे ही हो। हाँ राइट, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। खाना गर्म करो, भूख लगी है। नहीं करूंगी, जाकर अपनी बैंक वाली के यहाँ जाओ और खाना खाओ, और ये जोकर गिरी भी वहीं जाके करना। हाँ खा लूंगा, अब तो मैं उसी के पास खाऊंगा। तो जाओ ना, देखती हूँ कितने दिन खाना खिलाती है, एक दिन वापस मेरे पास ही आना होगा। मैं पागल हूँ जो नरक में वापस आऊंगा? ये नरक नहीं है, पत्तियाँ घर को स्वर्ग बनाती हैं और पति को स्वर्गवासी बना देती हैं। बात करती ऐसे घर में घुसो लाइफ। ये चाबी कहाँ लेकर जा रहे हो? ये कार भी मेरे पिताजी ने दी थी। लो, बेकार है तुम्हारी तरह, कुछ दिनों बाद कबाड़ियों को भेज देना इसको फोकट में। इतने ही खुददार हो तो ये कपड़े भी उतार कर जाओ। साधु नहीं बनने जा रहा हूँ, जो कपड़े उतार दूं सड़क बनेगा घूमूं। ये शर्ट पिछली दिवाली पर मेरे पिताजी ने दी थी, उतारो। अच्छा साला, समझ में आया दहेज लेना कितना जुर्म है। वक्त आने पर पति को नंगा भी होना पड़ता है। ये लो अपने पिताजी को पहनाओ। पिताजी? पिताजी ने नरक बना दिया। ये तो तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ नहीं है ना, है? अब तुम रहना अपने पिताजी के दिए हुए दहेज के सामानों के साथ, और कार से बोलना मांग भर दे और टीवी से बोलना बच्चे पैदा कर दे, ठीक है? बजा रहा हूँ। ठहरो, माफ नहीं करूंगा, सॉरी बोरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी बोल भी नहीं रही हूँ, मेरा रिमोट देते जाओ। हाँ ये रखो, जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें तो बहाना चाहिए था, कोटा से लाकर पटक दिया यहाँ पे, पूरा दिन टीवी देख कर दिल बहलाना पड़ता है। आपसे तो अच्छा मेरा ये हुंडई का टीवी है। ना ऑफिस में ठिकाना ना घर में। ए संतोष, दुश्मन हो गया। ए रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? झक मारने। अकेले? हाँ, अब आप आ गए ना। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव टू मीट माय मदर इन लॉ। संतोष, सुबह शांति के साथ झगड़ा हुआ था, कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं? अब आप जले पे नमक मत छिड़किए, एक तो मेरी शादी करवा दी, ऊपर से उसको भड़काते रहते हो। अरे इधर तो उधर ही जा रहा हूँ। अरे संतोष, अब देखता खिचड़ी को ज्यादा पक गई है। खिचड़ी पक नहीं गई, जल गई है खुराना साहब। आप मुझे मेरे मम्मी के घर छोड़ दीजिए, फिर जाके शांति को समझाइए। मैं? हाँ। वजह से हुआ? क्या तारीफ कर रहे थे, शांति गाय है गाय। खुला सांड था मैं, बैल बनकर घूम रहा हूँ साला। क्या हुआ भाई? हाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या लड्डू बट रहा है, काम करो अपना। अरे चिल्ला गाय को यार, बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे संतोष तुम्हारे लिए हीरोइन ढूंढिए हीरोइन। अपनी बेटी की चिंता है, हैं? मेरा कुछ भी हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं है। भाई साहब आप हैं कौन? क्या बताऊं कौन हूं साहब, हूं तो बैंक में कैशियर लेकिन आजकल गिनती करना भूल चुका हूं। तो एक काम करो, यहां बेकार नहीं बैठने का, जाओ यहां से। बेकार में मतलब ये सब बैठे हुए हैं, ये आपको नहीं दिख रहे हैं? देखो यहाँ जितने जन बैठे हैं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये काम है? अपने पार्टनरों के साथ बैठे हैं, दिखाई पड़ रहा है ना? सर मैं भी कोई उठाई गिरा नहीं हूँ, मेरी भी बीवी है। अच्छा तो बीवी है तो जाकर लेकर आओ और बैठो उसके साथ। यही तो समस्या है, नहीं तो आप क्यों कहते? वो यहाँ आ नहीं सकती और वो जहाँ है वहाँ मैं जा नहीं सकता,
तो एक काम करो, उठो और तीसरी जगह जाकर बैठो, समझ में आ गया? यहाँ नहीं बैठने का, बेकार में। अरे सर, लिसन। बोलिए। बोल दिया ना, सुन लिया ना बेटा, अगली बार मिलना तेरी कंडीशन मैं ठीक करूंगा। हर डाल पे एक मजनू बैठा हुआ, साले जगह जगह मुंह मारते फिरते। क्या हुआ, तुम भी नहीं चलोगे? साला पानी का भी अकाल है। लोग सही कहते हैं, हर पत्नी विदाई के वक्त रोने का ढोंग करती है, फिर पूरी जिंदगी पति को रुलाती है। भूख भी लगी है, खाना खा के घर से निकलता तो अच्छा रहता। अच्छा, अब आई पति की याद। बजते रहो, उठाऊंगा ही नहीं। फोन नहीं उठा रहे। दोबारा लगाओ, उठाएगा। दोबारा लगाओ, चलो। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। ओके। अरे ये तो पीछे पड़ गई, चलो इस बार उठा लेता हूं। क्या है? कहाँ हो? जानू में। आप घर नहीं आ रहे? कौन सा घर, किसका घर? वो घर तो तुम्हारा है, तुम्हारे पिताजी का है, सारी चीजें तो उसमें तुम्हारे पिताजी की दी हुई है। मेरे लिए जगह कहाँ है? आप घर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। क्यों, दिमाग गर्म कर दिया, वो काफी नहीं है क्या? आप प्लीज घर आ जाइए, खाना खा लीजिए ना। अरे मुझे नहीं खाना, तुम्हारा खाना। कमाता हूँ, कोई फटीचन नहीं हूँ, जाके होटल में खाऊंगा। होटल में मैं बात करता हूँ। वो मिस्टर खुराना के नाम मत लो, सारी फसाद की जड़ वो बुड्ढा है, उसे मेरी खुशी देखी नहीं गई तो शादी की बेड़ियों बांध दिया तुम्हारे साथ। अब खुद के लिए इतनी बढ़िया बीवी देख ली, मेरा बस चले तो उस बुड्ढे को किसी खड्डे में डाल दूं। तुम्हें बात करो। हेलो हेलो हेलो, फोन कट गया। काटा नहीं, उस बेवकूफ ने काटा है। शांति, बात बहुत सीरियस है। अब क्या होगा? होगा क्या, तुम टेंशन मत लो, मैं उसको कान से पकड़ कर लाता हूँ। बुड्ढा सर, क्या सेवा करूं? खाने में क्या मिलेगा? सर यहाँ आप जो चाहें सब मिलेगा। अच्छा जी। सर मुझे लगता है कि आपको शांति की जरूरत है। तुम कैसे जानते शांति को? सर हर आदमी को शांति की जरूरत होती है। सर वो मेरी बीवी है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। सर मैं मन की शांति की बात कर रहा था, और वो शांति सिर्फ घर में मिलती है, होटल में नहीं। सर यहाँ मामला उल्टा है। खैर कुछ खिला दो। जी सर मैं कुछ लाता हूँ, अब कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ सर। वेटर भी पुराना की तरह लेक्चर देता है। तुमने तो तुम्हारे हस्बैंड को कंट्रोल में कर लिया है। मेरी सोच मर्दों के मामले में बिल्कुल अलग है। बस हस्बैंड प्यार करने वाला मिले, वाइफ को समझने वाला मिले, वाइफ को सपोर्ट करने वाला मिले, ऐसा होना चाहिए। और इस मामले में तो आई एम वेरी लकी, मेरा पति बिल्कुल ऐसा है, वो मुझे बहुत समझता है। और वैसे भी पति उसको बोला जाता है जो बीवी की पसंद को अपना ले, बीवी के लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट कर ले, बीवी की खुशी को अपनी खुशी बना ले। शादी वाले दिन ही हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जैसे ही हम शादी करके चर्च से निकले थे। सुन लो रोजी, तुम नहीं बदलोगी, तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा। ये कौन है? कौन है ये, तुम समझती क्या अपने आप को? पता नहीं। तुम जर्नलिस्ट हो तो क्या पति को नौकर बना के रखोगी? I don't know who ये you. सुनो रोजी, आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, नहीं तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। ए, who are you? ए, तू कौन है? ए, तू समझती क्या है? अरे बुला ना बेटर को। वाह, घर में सूरज चमक रहा है और तुम यहाँ मोमबत्ती जलाकर बैठे हो। मोमबत्ती कहाँ है, चारों तरफ तो रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। मैं खाने की बात कर रहा हूँ, तुम तो होटल में खाने वाले थे ना। मैं होटल में खाऊं, सड़क पे खाऊं, मैं कहीं भी खाऊं, इससे किसी को क्या लेना देना। ये वड़ा पाव कब बनाया भैया? शाम का है साहब। शाम का है? हाँ मुझे मालूम है। ठंडा है? हाँ वो भी मालूम है। अच्छा, घर पर भेजा गर्म करके बोलते हो कि खाना गर्म चाहिए, यहाँ ये ठंडा थका हुआ वड़ा पाव खा रहे हो। आपको चैन नहीं है,
एक तो मेरी चलती फिरती जिंदगी को शादी करा के ब्रेक लगा दिया, अब मैं जब खुल के जीना चाहता हूँ तो लाल झंडी दिखा रहे हो। देखो संतोष, गुस्सा आदमी को ऐसे जला देता है जैसे सूखी लकड़ी को आग। चलो घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगा। पक्का? पक्का 200%। 200% मतलब घर चलना है? घर चलूंगा लेकिन अपनी शर्तों पर। मिस्टर संतोष सिंह, शर्तें बिजनेस में होती हैं, घर गृहस्थी में नहीं। शांति के बगैर रह पाओगे? ये उस अशांति भरी शांति से पूछे ना, मेरे बगैर उसको कोई नहीं पूछने वाला। सवाल पूछने या नहीं पूछने का नहीं है, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है,